21 जून को राजस्थान में खाली हुई राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीएम गहलोत के विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। पूनिया ने कहा कि बीते कुछ समय से देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री अंतर्गत बातें करते रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन खो गया है। जैसा आप सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए, ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था, वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हो गए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला जी बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। सुरजेवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है, मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं, लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत झोंकी गई तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री जी है। प्रसंग राज्यसभा के चुनाव का है और पिछले कई दिनों से अनेक बार अनर्गल सी बातें एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने की है, बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यहीन सी बातें ये मुख्यमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कही है। उनकी पिछले दिन से मैं कई दिनों से देख रहा हूं, जैसे बिल्कुल दिमागी तौर पे कोई व्यक्ति असंतुलित हो जाए और मन में आए जो बोले, न समय देखे न परिस्थिति देखे, एक बौखलाहट, एक निराशा, एक हताशा उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आती है। 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत को मैदान में उतारा था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन ओंकार सिंह लखावत को भी मैदान में उतार दिया गया था, जिसने सबको चौंका दिया, जिसके बाद से ही कांग्रेस अपने सभी विधायकों को दिल्ली मार्ग स्थित एक रिसोर्ट में रखे हुए है और बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है।